हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ट्रिक्स विद राहुल कौशिक में। आज हम कक्षा 12 का अध्याय 5 वंशा गति और विविधता के बारे में बताएंगे। कक्षा 12 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 वंशा गति और विविधता के बारे में आज आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वंशा गति और विविधता है क्या, वंशा गति और विविधता क्या है। तो एक वर्ड आता है यहाँ पर वंशा गति, जो शब्द है वंशा गति, इसका मतलब क्या है। तो ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ठीक है, ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उनको बोलेंगे वंशागत लक्षण, ठीक है, और इस प्रक्रिया को कहेंगे वंशा गति। ठीक है, वंशा गति यानी इसके अलावा इसको क्या कह सकते हैं, इसके अलावा इसको कह सकते हैं आनुवांशिक लक्षण, ठीक है, या आनुवांशिकता। ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो वो कौन से लक्षण हो गए, आनुवांशिक लक्षण हो गए, और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, आनुवांशिकता। जैसे आपने देखा होगा जो पेरेंट्स होते हैं उनकी संतान उनके जैसी ही होती है, ठीक है, उनके जैसी होती है। कुछ उसमें कुछ कैरेक्टर्स जो होंगे वो माता के होंगे और कुछ कैरेक्टर्स जो होंगे वो पिता के होंगे, ठीक है, ना तो वो पिता के जैसी बिल्कुल सेम होगी ना वो माता के जैसी सेम होगी, यानी दोनों के लक्षण उसमें होंगे। तो इसको क्या होगा, इसी को कहेंगे हम आनुवांशिकता, ठीक है, आनुवांशिक लक्षण। यानी जैसे मान लीजिए कि चेहरा फादर की तरह हो गया, है ना, होठ माँ की तरह हो गए, नाक माँ की तरह हो गई, मदर की तरह हो गई, तो वो क्या हो गया, वो आनुवांशिक हो गया, ठीक है, आनुवांशिक की लक्षण उसके अंदर वो पहुंचे, है ना। और जैसे अगर माता पिता इंटेलिजेंट हैं तो उनकी संतान की ज्यादातर पॉसिबल क्या होता है कि ज्यादातर उनकी संतान भी इंटेलिजेंट होती है, वो अलग बात है, वो मेंडल जो थे उनके नियम के ऊपर ही है कि कभी कभी वो बेवकूफ भी हो जाती है। तो ये सब क्या है, ये सब आनुवंशिकता है, ठीक है, आनुवंशिक या वंशागति। वंशागति यानी वंश आगे बढ़ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण का ट्रांसफर होना, ये सब क्या हो गया, ये सब वंशागति हो गया। दूसरा वर्ड है विविधता। विविधता क्या है, अब मैंने आपको बताया कि कुछ लक्षण माता के होते हैं और कुछ लक्षण पिता के होते हैं, लेकिन वो अपने आप में एक अलग रचना है, ना तो माता जैसी और ना पिता जैसी, उसका कोई दूसरा भाई बहन होगा तो वो भी उससे अलग होगा, लेकिन वो भी कुछ माता जैसा होगा कुछ पिता जैसा होगा, तो ये क्या हो गया, इसके अंदर विभिन्नता आ गई, ठीक है, ये विविधता हो गई। उसकी जो विभिन्नता है अपने माता से और पिता से, यानी दिखता तो दोनों की तरह है लेकिन सेम बिल्कुल ना तो माता की तरह है ना पिता की तरह है, अलग है, तो ये क्या हो गया, ये विविधता हो गया। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम वंशागति और विविधता पढ़ेंगे, इनकी वंशागति की विधियां क्या होती हैं, किस तरीके से ये लक्षण ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, और विविधता किस तरीके से इनके अंदर विभिन्नता आ जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नताएं आते आते एक समय ऐसा भी आता है जो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन से क्या होती है, चेंज हो जाती है, यानी पूर्वज जो होते हैं वो बदल जाते हैं। जैसे मनुष्य का विकास किससे माना जाता है, मनुष्य का विकास बंदर या चिंपैंजी से माना जाता है ना, तो वो क्या हो गया, बंदर या चिंपैंजी जो है वो मनुष्य से अलग हो गया, यानी पूर्वज तो वही है, विकसित होते होते इतनी भिन्नताएं आ गई, अनुवांशिक लक्षण आते आते पीढ़ी दर पीढ़ी इतनी भिन्नता आ गई कि वो पूर्वज जो हमसे वो भिन्न हो गए और एक नई जाति का निर्माण हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये आ गया विविधता के अंतर्गत। अब यहाँ पर एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। जैसे मैंने बताया आनुवंशिकता, आनुवंशिकता, आनुवंशिक लक्षण मैंने आपको बता दिए, आनुवंशिकता, ठीक है, और एक अनुवांशिक लक्षण मैंने आपको बता दिया, विलक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होंगे उनको आनुवांशिक लक्षण बोलेंगे। तो आनुवांशिकता या आनुवंशिकी, आनुवंशिकी के जनक या फादर, तो आनुवंशिकी का जनक यानी किसी ने इसको खोजा होगा, एक ऐसे वैज्ञानिक जिसने इस आनुवंशिकी को खोजा, उन्होंने बताया कि ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है मेंडल। क्या नाम है, मेंडल। मेंडल ने एक पौधा है उसको ऊपर अपनी खोज करी, कौन सा पौधा है वो है मटर का पौधा, कौन से पौधे पर खोज करी, मटर के पौधे पर, पौधा मटर, और मटर भी कौन सी वाली, गार्डन पी, कौन सी वाली मटर, गार्डन पी, और बॉटनी का नेम इसका होगा पाइजम सैटिवम,
फाइजम सेटिवम, ये इसका बॉटनिकल नेम होगा। तो प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मेंडल ने जो खोज करी वो कौन सी वाली मटर पर करी, गार्डन पी पर करी, स्वीट पी पर करी, जंगली मटर पर करी, या इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा लगा देंगे आप ध्यान रखें गार्डन पी यानी बगीचे वाली मटर पर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट करे, अपने प्रयोग किए। ठीक है, अब दूसरा एक और नाम आता है, वो है आधुनिक अनुवंशिकी के जनक। आधुनिक अनुवंशिकी के जनक, तो आधुनिक अनुवंशिकी के जनक जो है उनका नाम है बैटसन। आधुनिक अनुवंशिकी के जनक होंगे बैटसन। सबके सब नाम आपको याद रखने हैं, सबके सब नाम जो है ये इंपॉर्टेंट है। अनुवंशिकी के जनक मेंडल, कौन से पौधे पर उन्होंने खोज करी अपनी, कौन से पौधे पर अपने प्रयोग किए, मटर पर किए, मटर कौन सी वाली, गार्डन पी, और गार्डन पी का बॉटनिकल नेम पाइजम सेटाइवम, तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आधुनिक अनुवंशिकी के जनक कौन हो गए, बैटसन हो गए, और प्रायोगिक अनुवंशिकी एक आती है प्रायोगिक अनुवंशिकी। प्रायोगिक अनुवंशिकी के जनक होंगे मॉर्गन, एक ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला पर भी इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं, लेकिन यहां हम क्या याद रखेंगे प्रायोगिक अनुवंशिकी के जनक कौन है, मॉर्गन। ठीक है, और इसके बाद एक और शब्द आता है मानव अनुवंशिकी, मानव अनुवंशिकी, मानव अनुवंशिकी का जनक है गेरोड। तो ये चार साइंटिस्ट, चार वैज्ञानिक मैंने आपको बताए, इनके नाम आपको याद रखने हैं, कौन कौन से अनुवंशिकी, अगर केवल अनुवंशिकी पूछे या अनुवंशिकता पूछे तो कौन होंगे इसके जनक, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, और अगर पूछे आधुनिक अनुवंशिकी के जनक तो आधुनिक अनुवंशिकी कौन है, बैटसन, अगर पूछता है प्रायोगिक अनुवंशिकी के जनक तो प्रायोगिक अनुवंशिकी के जनक कौन है, प्रायोगिक अनुवंशिकी के जनक है मॉर्गन, और मानव अनुवंशिकी के जनक है गैरो। ठीक है, इतना आ गया सबके समझ में, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें आता है मेंडल ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, मैंने बताया जैसे मटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उन्होंने कुछ नियम बनाए, कौन से नियम बनाए, पहला नियम जो उन्होंने दिया, इन्होंने तीन नियम दिए थे, और पहला नियम जो उन्होंने दिया था उसका नाम था प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, इंग्लिश में बात करें लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो इन्होंने बताया कि इस नियम के अकॉर्डिंग, बल्कि इसको बता दें आपको, इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कह देते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर आधारित है। इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई दो लक्षण, ठीक है, जो एक दूसरे से विपरीत हों, ठीक है, कोई दो लक्षण या एक ऐसा जोड़ा, ठीक है, लक्षण कोई ऐसा जोड़ा जो एक दूसरे के विपरीत हो, जैसे लाल और सफेद, फूल का रंग ले लेंगे लाल और सफेद, तने की लंबाई लंबा और बौना, ठीक है, इस तरह से कोई दो लक्षण जो एक दूसरे के विपरीत हो, है ना, तो कोई दो लक्षण लेंगे जो एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो होगा क्या, जब उनकी क्रॉसिंग कराई जाएगी, दो लक्षणों की जब क्रॉसिंग कराई जाएगी दो लक्षणों के पौधों की, तो इसकी फर्स्ट जनरेशन जो होगी उसमें जो एक लक्षण है वो तो दिखाई देगा और दूसरा लक्षण छिप जाएगा, यानी एक लक्षण दिखाई देगा और दूसरा छिप जाएगा, तो दिखने वाले लक्षण को, जो लक्षण दिखाई देगा, जैसा मान लीजिए लाल सफेद फूल को अगर लेकर चलते हैं, तो लाल जो कलर है, लाल कलर वाले फूल जो है वो F1 जनरेशन दिखाई देंगे और सफेद जो है छिप जाएंगे, तो इसमें लाल कलर जो हो जाएगा उसको बोलेंगे प्रभावी और सफेद कलर जो होगा उसको बोलेंगे
अप्रभावी। ठीक है, लाल कलर किसके ऊपर प्रभावी हो गया, सफेद कलर के ऊपर प्रभावी हो गया, तो उसको बोलेंगे प्रभावी। ऐसे ही लंबे और बौने पौधे में क्या होगा, इसमें लंबा पौधा जो होगा वो प्रभावी होगा किसके ऊपर, बौने पौधे के ऊपर। आगे बात समझ में। लेकिन जब F1 जनरेशन का, F1 पीढ़ी का जब स्व परागण कराएंगे, तो F1 पीढ़ी का स्व परागण कराने पर जो F2 पीढ़ी होगी उसमें जो छिपा हुआ लक्षण था कौन सा, सफेद फूल, ये भी वापिस आ जाएगा। और यह अगर बौना पौधा छिपा हुआ था यह भी वापिस आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए जो लंबा पौधा है उसके हम जीन कैसे लिखेंगे, कैपिटल टी और कैपिटल टी। ठीक है, और जो बौना पौधा है उसको हम लिखेंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी एक दूसरे के विपरीत है बिल्कुल। अब ये वाला जो कैपिटल टी है इसकी मल्टीप्लाई इस वाले टी से कराते हैं। ठीक है, क्रॉसिंग बोलेंगे वैसे तो, लेकिन सिंपली मल्टीप्लाई है कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, उसके बाद इसी वाले टी की इस दूसरे वाले स्मॉल टी से, तो क्या जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये टी बचा। फिर क्या करेंगे इस वाले टी की इन दोनों स्मॉल टी से करा देंगे, तो क्या जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस कैपिटल टी की दूसरे वाले स्मॉल टी से, तो इसको क्या करेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर समझ लीजिए ये वाला जो है इस वाले कैपिटल टी की पहले इन दोनों स्मॉल टी से करा देंगे, और उसके बाद इस वाले कैपिटल टी की दोनों स्मॉल टी से, तो रिजल्ट क्या बनेगा ये बनेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिजल्ट क्या बन रहा है, रिजल्ट बन रहा है कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इसमें स्मॉल टी जो है ये अप्रभावी है। ठीक है, लंबाई का जो जीन है कौन सा स्मॉल टी, ये अप्रभावी है किसके, अप्रभावी है, और ये जो टी है कैपिटल टी ये प्रभावी है, यानी ये कैपिटल टी इसके ऊपर प्रभावी है। तो कौन सा कलर दिखाई देगा, कौन सा जीन दिखाई देगा, केवल कैपिटल टी, यानी कैपिटल टी क्या है ये, और इसको यहाँ पर ऐसे करके शुद्ध लिख देंगे, शुद्ध लंबा, यानी ये शुद्ध लंबा है इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, और ये शुद्ध बौना है इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में। और ये जो यहाँ पर बना ये है F1 जनरेशन, F1 जनरेशन यानी F1 पीढ़ी जा रही, और ये सब क्या है ये विषम युग्मकी। ठीक है, विषम युग्मकी क्या हो गए या इम्प्योर भी बोल देंगे, ये सब के पौधे कैसे हो गए लंबे पौधे हो गए, सबके सब कैसे हो गए लंबे पौधे 100% टॉल। यानी जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे की क्रॉसिंग कराई गई मेंडल ने कराई, तब उन्हें क्या प्राप्त हुआ एफ वन जनरेशन में सारे पौधे लंबे प्राप्त हुए। लेकिन कैसे थे, ये अशुद्ध थे क्योंकि इनके अंदर ये बौनापन जो था ये छिपा हुआ था। अब क्या करेंगे, अब जब इस F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराएंगे, F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराएंगे, तो ये जो करेक्टर है बौनेपन वाला ये भी दिखाई देने लगेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, F2 जनरेशन देखते हैं इसकी कैसी आएगी, और F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराएंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी यही तो थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस वाले कैपिटल टी की सेल्फिंग इस वाले टी और टी, ठीक दोनों टी कैपिटल हैं तो यहाँ दोनों टी कैपिटल आ जाएंगे। उसके बाद इस वाले कैपिटल टी की इस वाले स्मॉल टी से करेंगे मल्टीप्लाई, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी आएंगे, इतना आगे समझ में। उसके बाद इस वाले स्मॉल टी की इस कैपिटल टी से, तो क्या बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल को हमेशा पहले लिखते हैं, फिर इस स्मॉल टी की इस वाले स्मॉल टी से, तो क्या बनेगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। देखिए ये रिजल्ट आ गया वापस, आ गया नहीं आ गया, और ये भी आ गया देखो, और ये दो नहीं बन गए, या जो पेरेंट थे पेरेंट जैसे बन गए, तो क्या रिजल्ट बनेगा। अगर हम इसका फिनोटाइप रेशियो देखेंगे, ये समझाएंगे बाद में फिनोटाइप जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप रेशियो देखेंगे, तो क्या हो गया ये सारे पौधे कैसे हो गए लंबे हो गए, लंबे हो गए, और ये कैसा हो गया एक पौधा ये बौना हो गया, यानी किसकी तरह हो गए ये अपने जो इनकी जो इनके जनक थे ये उसकी तरह हो गए। ठीक है,
इनके भी जनक जो थे, जो मैंने बताया कि ये बोनापन का करेक्टर जो है वापस आ जाता है कौन सी वाली जनरेशन में, एफ टू जनरेशन में, यही तो था। हमारा जो नियम था पहला नियम प्रभाविता का नियम वो यही था कि जब दो लक्षणों की क्रॉसिंग कराएंगे, दो विपरीत लक्षणों की क्रॉसिंग कराएंगे, तो F1 जनरेशन जो होगी उसमें सारे प्लांट एक जैसे होंगे, यानी एक लक्षण छिप जाएगा और एक लक्षण दिखाई देगा, ठीक है। तो सारे एक ही जैसे थे, इस टाइप के थे सारे। और उसके बाद जब इनकी सेल्फिंग कराई जाएगी तो क्या होगा, जो छिपा हुआ लक्षण था एफ टू जनरेशन में वो वापिस आ जाएगा। देखिए ये छिप गया था लक्षण, तो बोनेपन का लक्षण वापिस आ गया, और ये जो लक्षण है ये इनका जो रेशियो निकलेगा वो 3:1 का, यानी 3 ये होगा और रेशियो 1 में 1 ये है और 3 ये है, तो रेशियो क्या बनेगा, 3:1 बनेगा। तो इस तरीके से मेंडल ने पहला नियम दिया। इसका दूसरा और तीसरा नियम हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। कमेंट करें यदि इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके मुझे बताएं। व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।